उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक आज है, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में 11 बजे सचिवालय में बैठक होगी। आबकारी नीति पर कहा जा रहा है कि मोहर लग सकती है, तो सरकारी कर्मचारियों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाने पर फैसला भी लिया जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड मंत्रिमंडल की आज बैठक और इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज 11 बजे सचिवालय में बैठक होगी, जहां पर कहा जा रहा है कि आबकारी नीति पर सरकार मोहर लगा सकती है। वहीं सरकारी कर्मचारियों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाने पर भी फैसला लिया जा सकता है। तो इन दोनों ही फैसलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो आज की ये उत्तराखंड मंत्रिमंडल की जो बैठक होने वाली है वो काफी अहम है, क्योंकि आबकारी नीति पर सरकार लगातार प्रयास यहां पर कर रही है कि उस पर मोहर लगे, और आज उसी प्रयास के तौर पर कह सकते हैं कि आज होने वाली इस बैठक में ये निर्णय यहां पर लिया जा सकता है। तो सचिवालय में आज सुबह 11 बजे ये बैठक बताई जा रही है, जो कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ली जाएगी। तो सरकारी कर्मचारियों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाने का फैसला भी इस दौरान इस बैठक में लिया जा सकता है। तो वहीं आबकारी नीति पर एक मोहर यहां लग सकती है। और अजीत कंबोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजीत, उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक और बैठक किस लिहाज से अहम, ये जो दो फैसले हमने बताए, क्या इन्हीं पर मोहर या फिर और भी कुछ मुद्दे जिनको लेकर सोचा समझा जा सकता है, चर्चा हो सकती है? बिल्कुल रितु, अब से कुछ ही देर बाद 11 बजे से राज्य कैबिनेट की बैठक होगी और काफी अहम इस वजह से मानी जा रही है क्योंकि दो बड़े फैसले इस बैठक में आने हैं। सरकार की पूरी तैयारी है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 को लेकर जो नई आबकारी पॉलिसी है उसको इसमें जल्द से जल्द लेकर आया जाए, कैबिनेट अपनी मंजूरी दे, और जो भी उसमें चीजें हैं अगर कुछ उनको लगता है चेंजेस होने हैं तो उसके लिए समय रहते चीजें पूरी कर ली जाए, और तमाम जो दिक्कतें हैं आबकारी पॉलिसी को लेकर हमेशा से बनती आई हैं वो इस बार पूरी कर ली जाए। अप्रैल 1 तारीख से नई आबकारी पॉलिसी प्रदेश में लागू होगी, तो इसके लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। महज 1 माह का समय बचता है सरकार के पास नई आबकारी पॉलिसी लागू करने को लेकर, और जो तमाम दिक्कतें हैं उनको दूर करने की बात की जा सकती है। इसके अलावा कई अहम जो प्रस्ताव है वो जी बैठक में आने की तैयारी है। शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं कई अहम प्रस्तावों को लेकर, कई विभागों की नियमावलियों में संशोधन होना है वो लाए जा सकते हैं। तो इंतजार है इस बात का कि जब 11 बजे से राज्य कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, लगभग 1 घंटे का समय दिया गया है कैबिनेट की बैठक को लेकर, तो उसमें किन किन अहम प्रस्ताव पर कैबिनेट अपनी मंजूरी देती है। चलिए, धन्यवाद आपका अजीत, हमें जानकारी दे रही है।